सारे मुद्दे हो गए, जहां ऐसी परिस्थिति हो गई है दो महीने के इस कार्यकाल में, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी इस तरह से देखी नहीं थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए गए हैं, वो एक अपने आप में एक इश्यू है, लोग उसका उसके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उनके ही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ये संस्थान जो बंद किए गए हैं ये खुलना चाहिए। हमने एक बात कही थी, अगर कांग्रेस के विधायकों को वो संस्थान नहीं चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं को अगर वो नहीं चाहिए वो लिख करके दे दे, लेकिन ना लिख करके दे रहे हैं, क्योंकि एनुअल प्लानिंग की मीटिंग में यहां पर कांग्रेस के ही विधायकों ने कहा कि जो संस्थान बंद किए गए हैं वो खुलने चाहिए, हमारी मांग है, और मुख्यमंत्री के सामने, मंत्रियों के सामने कहा है। तो इसलिए एक तो मुद्दा वो है ही है, और दूसरा जो है राशन जंगलों में फेंका जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन हमीरपुर में जंगलों में फेंक दिया गया है कुंटलों के हिसाब से। वो सारी चीज को लेकर के हम जानकारी चाह रहे हैं कि भी क्या आखिरकार वो सारी चीजें क्यों हो रही है, सरकार को जवाब इस बात को देना पड़ेगा।